चलिए डाल लेते हैं नजर आज के दिन भर की तमाम खास खबरों पर। उत्तर 24 परगना की नेहाटी में इलेक्ट्रिक स्कूटर आरबीसी रोड पर शुरू हो गया है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर पर्यावरण और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के 6 मॉडल उपलब्ध कराए गए हैं। कीमत तकरीबन 55,000 से लेकर 1,50,000 के बीच है। वाहन की अधिकतम गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। उषा ईवी स्कूटर बाजार में मौजूदा ई स्कूटर को काफ़ी सस्ती कीमत में उपलब्ध होगा। आज शोरूम के उद्घाटन के मौके पर कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर अश्विनी कुमार दास मौजूद थे। जीसी शील एंड कंपनी के सीईओ रास बिहारी शील, सनत डे, सुभाषिस नंदी, दीप्ति अभी पे दुनिया में जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस जैसे बढ़ रहा है, तो अभी ई स्कूटर का मार्केट में डिमांड है। तो हम लोग मार्केट में 2009 से काम कर रहे हैं। तो अभी सील साहब के साथ बात हुआ तो यहाँ पे ब्रांच खुला तो अच्छा होना है। तो एक तो सोसाइटी को पॉल्यूशन फ्री मिलेगा और सबका बजट में सबके साथ में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग का बेलदा में है, गड़बेता में है, मालदा में है, बीरा में है, श्यामनगर में है, आपका तलातला में है, उस्ती में है, बैरवीपुर में है। वो वाटरप्रूफ गाड़ी है, पहला बात है। दूसरा बात है कि 1.5 फीट तक पानी अगर रहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब कोई भी गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी भी 1.5 फुट से ऊपर होने से भी वो गाड़ी भी खड़ा हो जाता है। तो अगर नॉर्मल पानी रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल आप लोग लॉन्च किया अभी? हम लोग का 6 मॉडल है। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? अश्विन कुमार। कंपनी का? उषाई से बोल, उषाई भी। যা আছে এই প্রথম এলো তো 6টা মডেল। ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে আপনার মহারাষ্ট্রে। আজকের দিনে যদি কেউ বুক করে তাহলে একটা সিলিং ফ্যান ফ্রি পাবে আর একটা হেলমেট ফ্রি পাবে। আমার নাম রাসবিহারী সিং। विदेश्वर सरकार, अजय सिंह, संजना खातून, रूपा राय, सियोली भंडारी, अभिजीत पाल, सुरेंद्र विश्वास और अन्य भी मौजूद थे।